हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसएससी जीके। आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं साइंस के फिजिक्स लाइट चैप्टर के बारे में। इसका मैंने पार्ट वन पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों, हमको थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में टाइम लग जा रहा है, क्योंकि थोड़ा मैं दूसरे चीज़ों में व्यस्त था। अब जो है आपको हर एक सप्ताह रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो दोस्तों, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे जो है सरफेस से टकराने के बाद जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाती है तो वो अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे बेंड कर जा रही है। यही जो बेंडिंग का प्रोसेस है दोस्तों, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ में परिवर्तन लाएगी, मेन डायरेक्शन से घूम जाएगी, उसी चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल हम लोग को इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, तारों का टिमटिमाना, पानी में रखा सिक्का जो है तली के ऊपर दिखाई देना, ये सारा जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब कि जब रेयर टू डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, और जब लाइट रे जो है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो वह नॉर्मल के दूर भागेगी, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, और जब हम नॉर्मल के डायरेक्शन में करेंगे तो वहाँ नो डेविएशन होगा। कहने का मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, लाइट जो है सेम पाथ पे ट्रेवल करती है। आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। यहाँ भी दो लॉ हमको पढ़ने हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। जब किन्हीं दो मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जब लाइट रे को किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कराते हैं तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इक्वल टू कांस्टेंट आता है, ठीक है दोस्तों। मतलब हम कह सकते हैं कि साइन आई अपन ऑफ साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि आगे हम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे नॉर्मली हम टॉपिक्स को डील करेंगे जैसे कि हमको एग्जाम में क्वेश्चन उससे हमको बनाने आ जाए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है दोस्तों। तो अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो वह इंसिडेंट रे उसी मीडियम में लौट जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं, जिससे देख रहे हैं कि आप फिगर में पहले फिगर में कि वाटर से एयर में लाइट रे जा रही है, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। अगला फिगर में हम देख रहे हैं कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा स्टेज आ रहा है कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो रहा है, यानी कि सेम मीडियम से पास कर रहा है। तो यही जो एंगल है उसी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे जो है सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगा, यानी कि आप जैसे देख सकते हैं थर्ड फिगर में कि अगर हम लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाते हैं ज़्यादा तो ये सेम ही मीडियम में वापस आ जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं लूमिंग या डायमंड का जो चमकना होता है, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ही देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम बात करते हैं लेंस के बारे में। तो हमको मेनली दो लेंस के बारे में पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, तो वैसा लेंस जो कि मिडिल में थिक होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, और जो कॉर्नर होगा उस पर थिन होगा, और कॉनकेव लेंस इसको बोलते हैं जो कि मिडिल में जो है थिन होगा और जो एजेज हैं उस पर थिक होगा, ऐसे लेंसेज को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है दोस्तों। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है एक जगह। और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्ज कर देता है। आगे हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, देख रहे हैं जैसा कि आप फिगर में कि ऑब्जेक्ट जो है हमने इन्फिनिटी पर रखा तो रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा कर के और रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज कर रहा है फोकस पे।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज जो है फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनाइज्ड बनेगा, मतलब काफ़ी छोटा बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो क्या बनता है। तो रे ऑफ लाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो इंसिडेंस करने के बाद लेंस रिफ्रैक्शन के बाद f और 2f के बीच में कट कर रहा है किससे, दूसरे रे ऑफ लाइट से, और इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इमेज जो है f और 2f के बीच बनेगा, डिमिनाइज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बन। जब ऑब्जेक्ट को हमने 2f पर रखा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है रे ऑफ लाइट मीट कर रहा है 2f पर ही, यानी कि हम लोग कह सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को f और 2f पर रखा है तो इमेज जो है 2f पर बन रहा है, सेम साइज़ का बन रहा है जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अपने इमेज फॉर्मेशन को आगे लेकर के चलते हैं और बात करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे। तो जब हमने f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो रे ऑफ लाइट एक पैरेलल जा रहा है और जो फोकस से पास करते हुए मिल रहा है कहाँ पे, 2f के बियॉन्ड। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हम लोग f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारा जो है बियॉन्ड 2f बनेगा, इनलार्ज बनेगा जैसे कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि इसको अगर हम चाहें तो इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमने f पे रखा, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को f पे रखा है तो हमारा इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन रहा है, हाईली इनलार्ज बनेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि काफ़ी बड़ा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि हम लोग चाहेंगे अगर तो इसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं इमेज को स्क्रीन पे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट को f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा फॉर्म होता है। तो हमने अगर ऑब्जेक्ट को ऐसा रखा तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करने के बाद फोकस से पास कर रहा है और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट चला जा रहा है, और इसको हम अगर बैक डायरेक्शन में मिला रहे हैं तो 2f के बियॉन्ड मिल रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस केस में अगर हम इमेज बनाते हैं तो हमारा इमेज जो है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, इनलार्ज बन रहा है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, यानी कि इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ऑप्टेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर खत्म होता है, और इससे रिलेटेड जो है हमने इमेज आपको बताया, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यहाँ पे हम लोग को दो ही इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, जैसे कि देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो कैसा इमेज बनता है। तो जैसे कि हम आप फिगर में देख रहे हो कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो रे ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करा, ऐसा लग रहा है कि फोकस से ये रे ऑफ लाइट जो आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फोकस पे इमेज बनेगा, हाईली डिमिनाइज बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्चुअल रे ऑफ लाइट मिलने के बाद इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को f 2f और f के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इमेज जो है लेंस और f के बीच में बन रहा है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और f के बीच में बन रहा है, डिमिनाइज्ड बन रहा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था दोनों ही लेंसेज के द्वारा, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अपने टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में, यानी कि लेंस की क्षमता। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है दोस्तों, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंथ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं पी इक्वल टू वन अपन एफ, यानी कि पावर अगर हमको निकालना है तो वन बाय एफ के जगह पे जो भी फोकल लेंथ का वैल्यू होगा उसको रखेंगे हम लोग, और मीटर में रखेंगे दोस्तों, तो जो वैल्यू आता है वही होता है पावर लेंस का। ठीक है, पावर का जो एसेंट होता है डायोप्टर होता है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का पावर जो है निगेटिव होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो जब प्रकाश जो है वाइट लाइट को हम लोग किसी प्रिज्म से पास कराते हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल हमको इसको देखने का मिलता है, जैसे कि रेनबो जो है, रेनबो का फॉर्मेशन ये एग्जाम्पल है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता क्या। तो जैसे हमने व्हाइट लाइट को पास कराया तो ये 7 कलर्स में डिविएट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 7 कलर्स का जो पैटर्न है उनको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि मतलब सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हो रहा है वो वायलेट कलर का हो रहा है, और सबसे जो कम हो रहा है रेड कलर का हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है
कि जो रेड कलर का वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ कहने का मतलब कि कितनी बार वो रिपीट कर रहा है। तो जो जितनी बार ज़्यादा रिपीट करेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी दोस्तों। तो यानी कि रेड कलर की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, और वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए डेविएशन जो है सबसे ज़्यादा वायलेट कलर का होता है। आगे हम लोग देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। जब जब सनलाइट जो है डस्ट पार्टिकल्स पे या छोटे छोटे पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाता है, और यही जो डिफरेंट डायरेक्शन में फैलने का प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि आकाश जो है ब्लू दिखाई देता है, सूर्य के उगते और डूबते समय लाल दिखाई देना, ये सारा जो प्रोसेस है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे क्या होता है कि लाइट जो है जब डस्ट पार्टिकल फैलता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल गया, और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैलने से ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देना, तो हम लोग देखते हैं कि डे टाइम में जो है ब्लू कलर दिखाई देता है। अभी हमने देखा था कि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है और एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो वेवलेंथ कम होता है और एनर्जी ज़्यादा होता है, इससे क्या होता है कि डे टाइम में डिस्टेंस उसको अर्थ तक आने में कम कवर करना पड़ता है, और इसलिए हमको आकाश जो है ब्लू दिखाई देता है, और डूबते और उगते समय जो है रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि एनर्जी उस समय जो है कम होती है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता है और हमको आकाश जो है रेड दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। और उस समय ऐसा नहीं है कि सारे कलर्स का मतलब कि डेविएशन होता है, इनके स्कैटरिंग होता है, पर जो है ब्लू कलर्स हमारे अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है, और उस समय जो है हमको आकाश सिर्फ रेड ही दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। इन पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कम होता है और रेड लाइट का वेवलेंथ जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम लोग टॉपिक को लेकर के चलते हैं और बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन के रेटिना में जो है दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होता है ये हमको ये लाइट सेंसिटिव होता है, यानी कि कितना इंटेंसिटी लाइट का है जो हमको दिखाई देता है ये सब रॉड सेल्स के कारण होता है, और कोन सेल्स जो है हमको कलर सेंसिटिव कराता है, यानी कि कलर का सेंसेशन कराता है, यानी कि जो भी हम लोग कलरफुल वर्ड्स को देख पा रहे हैं ये हम कोन सेल्स की वजह से ही देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई में जो है कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यह रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है जो कि रेटिना पे बनता है, ठीक है। स्पष्ट विजन के लिए यानी कि हमको क्लियर विजन के लिए कम से कम दूरी जो होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट्स है मायोपिया, और इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। तो इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति होते हैं उनको नज़दीक की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग याद रखें कि निकट जिसमें रहेगा उसमें निकट की चीज़ें दिखाई देगी, और जो दूर रहेगा उसमें दूर की चीज़ें दिखाई देगी, इसमें हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसका मेन कारण क्या होता है कि लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, यानी कि लेंस का जो डायमीटर वो बढ़ जाता है, लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाता है सॉरी घट जाता है, लेंस का पावर बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो कॉज हैं जिनके कारण जो है मायोपिया होता है, इसके रिमेडी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके रिमेडी के लिए, यानी कि जो भी चश्मा इसमें बनाया जाता है उसमें क्या होता है डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको हम लोग दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित जो भी व्यक्ति होता है उसको दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती है लेकिन पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, इसमें हम लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। जिसमें दूर रहेगा यानी कि लॉन्ग रहेगा उसमें लॉन्ग की चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब उल्टा समझना बस, ठीक है। इसका कारण क्या होता है तो लेंस की गोलाई कम हो जाना, बिल्कुल उसके उल्टा लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाना, लेंस की पावर घट जाना, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए मेडिकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इसके लिए मेडिकल के लिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर में देख रहे हैं कि इसमें जो है हम लोगों ने कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ किया है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया है। तीसरा जो डिफेक्ट्स आता है वो होता है प्रेसबाइपिया, ये जनरली जो है ओल्ड एज डिजीज है दोस्तों, यानी कि मतलब कि अगर एज बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का तो उसमें ये होता है। उसमें होता है क्या है कि सिलियरी मसल्स की छपना घट जाती है, जो कि अपने फोकल लेंथ को घटा बढ़ा नहीं पाता है। तो इस एज में जो डिजीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ज़्यादा दृष्टिकोण। इसके लिए मेडिकल हम लोग यूज़ कर सकते हैं बायफोकल लेंस।
यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगला जो हमारा वीडियो आया कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जल्द ही आ रहा है, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटा को दबाना ना भूलें।